पूरी तरह से जो भी ये कवरेज देंगे सर हम सब्सक्राइब करवा देंगे इनका चैनल आदि सभी कर लेना। एक संदेश हमसे है उसका हमें डिस्प्ले पे लिख के हम दिलवा दूंगा आपको, ग्रुप में लिंक भेज देंगे। देखिए ये भी आप इधर पढ़ भी रहे मुझे भी कर रहे हैं और दर्जी है कि तो ऐसा नहीं ना 24 घंटे पढ़ रहे हो, कभी भी घंटे दो घंटे हम कहीं ना कहीं निकाल दें तो काम उधर निकाल दें तो अच्छा ये चीज भी। और दूसरा उत्साह बढ़ता है कि हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, पढ़ाई करते हैं सारी चीजें कर सकते हैं। कुछ चीजें अगर गलत लाइन में पढ़ गए तो दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन सही जगह कर रहे हैं। इनका बहुत धन्यवाद जो हमारे कवरेज किया बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अभी सर ने बहुत बहुत अच्छी चीजें बताई हैं लेकिन इन सभी चीजों में दो तीन चीज ही मेन है कि एग्जाम में एक तो कंसिस्टेंसी काम आती है। कंसिस्टेंसी अब मैं अपने यूट्यूब का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे आज से 9 महीने पहले 300-350 सब्सक्राइबर थे, लगभग 9 महीने हो चुके हैं और आज 10,000 करीब सब्सक्राइबर हैं। ये कोई भी एग्जाम सही चाहे IIT सही MBBS सही या कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी विद गोल, टारगेट के साथ अगर कंसिस्टेंसी है तो आप जरूर सक्सेस गेट करोगे, सक्सेस करो प्राप्त करोगे, यही एक मेन सर चीज है। और तो बाकी आप जिसमें लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग यूपी बोर्ड से हैं। अच्छा हम जब मैंने नीट की प्रिपरेशन भी की थी तो नीट में क्या हुआ था, जब हम यहाँ से ऑर्गेनाइज क्लासेस अलीगढ़ भर्ती है वहां पर गए थे तो ऑर्गेनाइज क्लासेस में क्या हुआ, हम इंग्लिश मीडियम से तो थे नहीं, हम थे यूपी बोर्ड से तो हमें वहां पे इंग्लिश की प्रॉब्लम आई। और मेन बात कि हमारा कोई करियर गाइडेंस नहीं था, करियर गाइडेंस की कमी ये थी कि हमें ये नहीं पता कि 12th के बाद करना क्या है। यदि हमें पहले से ही पता होता तो हम 9th से तैयारी कर लेते। आपने देखा होगा कभी कोटा के जो स्टूडेंट हैं 12th के बाद ही MBBS में सिलेक्शन डाल देते हैं, किसी भी नीट में IIT में जो भी, ज्यादातर 12th के बच्चे क्या होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें IIT की तैयारी करनी है, हमें MBBS की तैयारी करनी है या हमें IAS PCS जो भी करना है वो सब शुरू से ही अपना टारगेट बना लेते हैं और फिर उनकी फैमिली करियर गाइडेंस करती रहती है, उनका गाइड करती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें ये फोकस बना लेना चाहिए 9th क्लास से ही, जो हमारे साथ बीती है हम अपनी बीती बता रहे हैं, हमें कोई गाइडेंस बताने वाला नहीं था, अपना पहले से ही गाइडेंस बना लें या अपना टारगेट बना लें कि 9th क्लास से ही मुझे इसमें लग जाना है और कंसिस्टेंसी के साथ 9th क्लास से उसी के नोट्स वगैरह जो भी बनाने हैं वो बनाते रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। आज हमारा YouTube चैनल 10,000 पहुंचा है, कल आप भी सक्सेस होंगे, यही सबसे बड़ा उदाहरण है।